So, कैसे हो भाई हो एंड क्या हालचाल आपके। होप सो सभी के हालचाल बड़े होंगे और सभी का ड्रैंक पुश वगैरह भी थोड़ा सा अच्छा चल रहा होगा। बाकी काफी सारे बंदे अभी के लिए एस में पहुंच चुके हैं और एस वाले बंदों के मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे भाई मैं इसमें हूँ मेरा कॉन्करर लग जाएगा, तो आज उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले तुम थोड़ा गेम प्ले देखो, मैं जा रहा था दूसरे इवेंट पे। और भाई अभी दूसरे इवेंट पे भी जाना था मेरे को, और अभी पता क्या सीन है, पहले वाले इवेंट पे बहुत ज़्यादा बंदे उतर जाते हैं, तो मैं सोचता हूँ आज दूसरे वाले पे चलते हैं। और भाई होता भी कुछ ऐसे ही है, दूसरे वाला थोड़ा दूर था तो मैं यहाँ पे उतर जाता हूँ और यहाँ से एक बंदे को किल किया। और भाई जो है सामने गाड़ी वाला बंदा घूम रहा है ना भाई, इसको तो जो ही गंदा पेलने वाला हो ना वो देखना। और भाई बहुत ही गंदा लगा मुझे इसके लिए, भाई रिकॉल भी नहीं मिला इस बंदे को और भाई कुछ गंदा ही मर गया बंदा VSS से, ठीक है। और भाई VSS इतनी ज़्यादा पावरफुल गन भी नहीं है कि गाड़ी से बंदा उतार सके, बट देखना तुम्हारे भाई ने कैसे मारा इसको। बाकी तो अभी यहाँ पे मेरे को सामने गाड़ी दिख रही थी तो मैं सोचता हूँ भाई फटाफट गाड़ी उठाते हैं और इवेंट पे चलते हैं, रिकॉल वगैरह लेके आएंगे। तो जो सीन होने वाला है ना भाई वो देख के जाना। बाकी तो मैं गाड़ी वाड़ी पे आ चुका था तभी मेरे को गाड़ी का साउंड आता है। और भाई अभी देखो तुम, तो भाई इस वाले किल के लिए थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करके लाइक भी अपने भाई को कर देना। रीच वगैरह डाउन चल रहा है तो बढ़ा दो जल्दी जल्दी, लाइक सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बाकी तो अभी सीधा चलते हैं इवेंट पे। दो किल अपने हो चुके थे, एक यहाँ पे दोनों रियल बंदे ही मारे थे, अभी तक बोट मेरे को नहीं मिला। तो भाई मैं सीधा इवेंट पे निकल जाता हूँ और अभी के लिए मेरे को पता भाई इवेंट पे जाके किल वगैरह निकालेंगे अच्छे से और रिकॉल वगैरह लेंगे। बट इवेंट पे कुछ अलग ही सीन होता है। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे इवेंट के अंदर आता हूँ तभी भाई मैं सोचता हूँ यहाँ पे उसमें बिल्डिंग में चलते हैं जिसमें कि यहाँ पे कॉइन वगैरह भी अपन ले सकते हैं। बट भाई इतना मैं भाई क्या बोलूं भाई, मतलब इस गेम में ना किसी ने रिकॉल ही निकाला भाई, बहुत कम बंदे थे तब भी किसी ने यहाँ पे रिकॉल समन किया ही नहीं भाई इस बार। पता नहीं क्यों मैं तलाश में था भाई कब कोई रिकॉल समन करे, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बट उससे पहले फाइट देखो भाई, तुम सामने था बंदा एंड मेरे को पता लग गया था कि भाई यहाँ पे बंदा है। और भाई सो इसको तो यहाँ पे इजी पेल दिया और बंदे के गलत ही हेड ही हेड पड़े। और अभी के लिए यहाँ पे मैं होल्ड करता हूँ और भाई मैं सोचता हूँ कोई मेरे ऊपर पुश करेगा या भाई रिकॉल वगैरह समन करेगा कोई तो चलेंगे। बट भाई कोई रिकॉल समन करता ही नहीं है। और तभी यहाँ पे कैसे होता है, मैं सोचता हूँ भाई थोड़ी लूट वगैरह करते हैं और फिर मार दे चलेंगे बंदों को, ठीक है। बट अभी के लिए यहाँ पे मैं अंदर की तरफ आ जाता हूँ और अभी भाई देख लो कितना मिनट हो गया, पानी भी भरने वाला है बस। और भाई ऑलमोस्ट, और भाई किसी ने यहाँ पे रिकॉल समन किया ही नहीं और ना ही किसी ने निकाला, ठीक है। और आसपास यहाँ पे इतने सारे बंदे से बैठ रखे थे भाई कि कौन कब रिकॉल निकाले, बट किसी ने नहीं लिया रिकॉल और पानी और भर गया यहाँ पे, ठीक है। तो देख लो भाई ऐसे कुछ भी सीन हो जाते हैं भाई अपने साथ। और देखो भाई सामने से आया बंदा, सब एक दूसरे के तलाश में बैठ रखे थे कि भाई कोई रिकॉल समन करे और भाई मार दे। तो देख लो भाई ऐसा कुछ भी होता है सीन आजकल। और तभी यहाँ से रिकॉल तो मिला नहीं, तो सोचता हूँ एग्जिट करेंगे और भाई फिर यहाँ पे किल वगैरह लेंगे और बंदे वगैरह पे लेंगे। बट देखना अभी सीधा यहाँ पे मैं आ जाता हूँ पोचंकी, और पोचंकी यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि कोई तो बंदा होगा क्योंकि ये ब्लू घर से भी खुला हुआ था। तो अभी के लिए मेरे को लग रहा था कि कोई बंदा यहाँ पे होगा और होल्ड वगैरह कर रहा होगा तो ईजी मारेंगे घुस के, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं होता भाई, यहाँ पे मेरे को एक भी बंदा नहीं मिलता। और अभी यहाँ पे थोड़ा लूट वगैरह मैं करता हूँ अपनी कंप्लीट और एंड उसके बाद यहाँ से भी निकल जाता हूँ। बाकी काफी सारे बंदों के यहाँ पे कमेंट आ रहे थे एस पे हूँ मैं और कॉन्करर नहीं लग रहा, तो भाई एस वालों को जल्दी कॉन्करर लग जाएगा, ठीक है। एस वालों के लिए आज मैं एक टारगेट दे दूंगा, और भाई इस बंदे का नाम याद रखो सिरी, जिसने मेरा किल चुराया भाई इसको जो ही गंदा पेलने वाला हूं ना मैं वो देखना। बाकी तो अभी के लिए यहाँ पे मैं सोचता हूँ भाई नेट वगैरह से मारेंगे बंदे को, बट भाई यहाँ पे इतनी लंबी फाइट चलेगा ना इस बंदे से भाई, आप देखना भाई कितनी लंबी फाइट चलने वाली है। और इसको मारा कैसे है ना भाई, बहुत ही गंदा अपना यहाँ पे किल इसने चोरी कर लिया था। तो भाई मेरे को भाई अभी पूरा मतलब गुस्सा चढ़ चुका था कि भाई मारना है या तो मरना है इससे, ठीक है, क्योंकि भाई किल चोरी हो गया था अपना। तो भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि एक तो लोबी इतनी हार्ड आ रखी थी ये वाली और ऊपर से तीन ही किल थे मेरे और किल भी मेरे को चाहिए था अभी, ठीक है। तो भाई आप लोग भी ऐसे खेल सकते हो जैसे मैं खेल रहा हूं, बट अगर आपका टायर हाई है तो मत खेलना ऐसा। तो ये बंदा भागने का ट्राई करता है और भाई
और भाई ये बंदा यहाँ पे गाड़ी लेके भाग गया। और भाई मैं इसके पीछे छोड़ने नहीं वाला था बंदे का, क्योंकि मैंने बहुत सारा डैमेज दे दिया था और ऑलमोस्ट मार ही देता, बट मैं आ जाता हूँ सीधा रोजोक, क्योंकि मेरे को पता है ये बंदा यहीं पे है। और भाई ये बंदा मेरे को सामने ही दिख जाता है स्कोर हाउस पे, और मैं सीधा यहाँ पे आता हूँ अंदर की साइड, और अभी यहाँ पे सीन होने वाला था। बाकी जो बंदे एस पे है उनके लिए भी अभी बताऊंगा, बस थोड़ा सा और वेट कर लो, इस बंदे से फाइट देखो और उसके बाद आपको सब कुछ समझाता हूँ बताता हूँ, ठीक है। सो अभी के लिए ये बंदा यहाँ पे मेरे सामने वाली छत पे आ गया था, और तभी मैं इधर आता हूँ और बंदा उधर साइड चला जाता है, ठीक है। और भाई फाइट इतनी लंबी चली है ना इस बंदे से, क्या ही बोलूँ। बस देखो अभी तुम, मैं यहाँ पे ग्रेनेड करता हूँ, और भाई अभी इसके लिए ग्रेनेड के लिए थोड़ा भी अच्छा लगेगा ना, तो लाइक एंड सब्सक्राइब अपने भाई को कर लेना। बाकी देखो फिर कैसे पेला है बंदे को, तो नाम देख लो भाई, यही बंदा था जिसने अपना किल चुराया था। बाकी पेल दिया इसको तो इजी वे में, और हाँ अभी अपने 4 किल हो चुके थे और अभी भी यहाँ पे काफी सारे बंदे बचे थे। और थोड़ा इमोटबाजी करता हूँ भाई, क्योंकि इसने अपना किल चुराया था तो भाई बहुत गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे मुझे। बाकी तो जो बंदे एस पे है उनका इजीली कॉन्करर लग जाएगा, तो एस वाले बंदे अगर 170-180 पॉइंट भी डेली प्लस करेंगे तो भी उन लोगों का इजी वे में कॉन्करर हो जाएगा, ठीक है। एस वाले बंदों के लिए मैंने बताया है जी कि अगर 150 प्लस भी आप डेली करोगे एस जो अभी एस पे भी है, ठीक है। एस वाले बंदे अगर 150 प्लस भी करते हैं तो भी अभी 25 दिन बचे हैं तो भी आप लोगों का इजी कॉन्करर हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करो भाई 150 प्लस का या 170-180 का, तो हो जाएगा आप लोगों का इजीली, ठीक है। बाकी तो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। और भाई अभी एक बार जोन देखो और बंदे देखो भाई तुम कितने बचे हैं, बहुत ही अच्छी लोबी लगी थी। बाकी अभी यहाँ पे दिखता है मेरे को पंछी, और भाई इसको तो यहाँ पे इजी पेल दिया, बाकी पंछी वंछी फोड़ दिया था इसका। और भाई बंदे के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है यहाँ पे, मेरे को पता है। बाकी तो अभी यहाँ पे मेरे को चाहिए थे किल, और लोबी भी अच्छी थी तो मुझे पता था मेरे को अच्छे खासे किल्स मिल जाएंगे, और टॉप 10 सर्वाइव भी अपने को करना था, ठीक है। तो भाई फटाफट पहले यहाँ पे लूट वगैरह करता हूँ, और अभी सोचता हूँ भाई यहाँ से निकलते हैं सीधा, और तभी मेरे को दिखता है दूसरा पंछी। और भाई ये देखो तो भाई इस बंदे के यहाँ पे कुछ ज्यादा ही चोट थी, मतलब भाई बंदा सोच रहा था कि एकदम उतर के मार दूंगा बंदे को, बट यहाँ पे खुद के साथ ही स्कैम हो गया उसके, ठीक है। तो भाई आप लोग ऐसा ट्राई मत करना, वरना तो मार ही जाओगे हमेशा, क्योंकि पंछी में उतरते हैं तो भाई थोड़ा एंगल वगैरह बनता नहीं है। बाकी तो मुझे यहाँ पे एक बंदा दिखता है जो कि लूट कर रहा था अभी, और अभी के लिए यहाँ पे बहुत सारे बंदे बचे थे मेरे को छोड़ के, 18 बंदे अभी भी अलाइव थे। और जोन यहाँ पे दिखाऊंगा तो भाई बहुत ही छोटा जोन हो चुका है। बाकी ये बंदा यहाँ पे क्या ट्राई करता है अभी देखना भाई, बंदे ने एडपिन करता है, मेरे को साउंड आ गया था, हालांकि मैं पुश नहीं करता हूँ क्योंकि मैं भी बंदा अपने को मार सकता था, ठीक है, नेट कैंसिल वगैरह करके। तो मैं सोचता हूँ भाई ऊपर चलते हैं, और भाई अभी फाइट देखो तुम और एंजॉय करो थोड़ा। सो भाई अभी तक भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई कर लो यार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है तुम्हारा भाई, और सब्सक्राइब वगैरह मेरे को चाहिए अभी। और व्यू भी अपने बहुत ज़्यादा राउंड चल रहे हैं, और सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आपका मन हो तो कर लेना, अब नहीं तो भाई आप भी और की तरह चले जाना, ठीक है। बाकी तो अभी जोन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका था, और मेरे को छोड़ के अभी के लिए यहाँ पे 17 बंदे अभी भी अलाइव थे, तो मुझे यहाँ पे कैसे भी करके जोन में एंटर करना था। और जोन था स्कूल साइड देख लो आप, और कितना ज़्यादा छोटा जोन है वो भी देख लिया होगा आपने, ठीक है। और बाकी तो भाई यहाँ पे बहुत ही गलत सीन होता है अपने, जो कि आगे चलकर आपको पता लग ही जाएगा। बाकी अभी मैं सोचता हूँ भाई यहाँ पे जोन के चलने, जब जोन स्टार्ट हो जाएगा तब चलेंगे, बट प्लानिंग में यहाँ पे चेंजिंग हो जाती है, और मैं निकल जाता हूँ सीधा। और भाई मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, तभी मेरे को ये बंदा दिखता है यहाँ पे गिली सूट वाला, और इसको भी यहाँ पे मारने वाला है, टेंशन मत लो। अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या सोचता हूँ कि भाई यहाँ पे रुक के नेड वगैरह ट्राई करते हैं, वरना तो फिर रश करेंगे बंदे पे। बाकी तो देखो यहाँ पे नेड, एंड भाई इस नेड से कोई नहीं फूटा, तो देखो तो भाई यहाँ पे दो नेड अपन ट्राई कर चुके थे, बट कोई फायदा नहीं हुआ भाई, बंदे को कुछ नहीं डैमेज वैमेज पता नहीं मिला होगा या नहीं मिला, बाकी तो डैमेज तो मिला ही होगा बंदे को। और जोन अभी काफी ज्यादा छोटा हो गया था, और भाई लोबी बहुत ही तगड़ी लगी थी, बहुत ही अच्छी लोबी लगी थी, ठीक है। तो प्लस भी अपने को अच्छा खासा मिल जाएगा। बाकी तो मैं सोचता हूँ भाई सीधा पुश करते हैं बंदे पे, तो मरेंगे या तो मारेंगे, अभी टॉप 10 भी नहीं हुआ था ना, तो देखो फिर। सो यहाँ पे इन भैया जो को इजी पेल दिया, और हाँ आपके याद हो तो इन भैया जो को मैं एक और दूसरे गेम में मारा था जो कि कल वाला गेम प्ले था, तो उसमें भी मैं इन भैया जो को मार रहा था, ठीक है। तो भाई ये तो अपने मतलब अपने से ही मर रहे हैं बार बार आकर के। और भाई अभी मैं आपको जो सीन दिखाऊंगा ना भाई, उसको देख के आपको भी हंसी आने वाली है, एक बार देखना।
भी यहाँ पे एक बार सबसे पहले ये वाला सीन चेक करो, और भाई BRDM देखो एक बार कितने हैं यहाँ पे, देखो भाई एक दो और भाई एक इसकी बराबर में भाई तीन BRDM लेके बैठ रखे बंदे, और देख लो भाई इनके मतलब इनकी वजह से यहाँ पे टॉप 10 नहीं हो पा रहा भाई, इनमें से एक भी मर जाए तो टॉप 10 हो जाएगा ठीक है। बट तुम्हारा भाई यहाँ पे नेट वगैरह ट्राई करता है बट कुछ फायदा होता नहीं है, तो मैं सोचता हूँ भाई यहाँ पे अभी के लिए होल्ड करते हैं, और यहाँ से पूरा गेम प्ले देखना है यहाँ पे कैसे टॉप 10 किया है तुम्हारे भाई ने, और कैसे खेल रहा हूँ मैं वो भी आप समझ सकते हो देख देख के ठीक है, क्योंकि मैं हर मैच में टॉप 10 इजीली कर लेता हूँ, तो आप भी कितनी हार्ड लोबी हो आप भी इजी वे टॉप 10 कर सकते हो जैसे मैं खेला, बस आपको ऐसे ही खेलना है और इजी आपका टॉप 10 हो जाएगा ठीक है। बाकी जोन अपना बहुत ही ज्यादा साथ दे रहा था और बैक टू बैक अपने भी बनता जा रहा था ठीक है, और अभी मेरे को डर था कि भाई यहाँ पे कोई बंदा पूछ ना करने वरना तो मारे जाएंगे, और होता भी लास्ट में कुछ ऐसी है जो कि आप लोगों को देखने के लिए मिल ही जाएगा। बाकी तो अभी देखो यहाँ पे क्या सीन होता है, मैं सोचता हूँ भाई नेट वगैरह करेंगे बट खत्म हो गए थे, तभी मेरे को ये वाला बंदा दिखता है, और भाई भाई बंदा यहाँ पे इतना पैनिक कर गया ना भाई, बंदा कूदे जा रहा है उछल रहा है बस, कि उसको पता है भाई मरना ही है अब तो भाई गलत सीन हो गया। बाकी तो भाई ये पंछी वंछी देख लो भाई तुम कितने उतर रहे हैं यहाँ पे ठीक है, तो भाई टॉप 10 अपना इजी वे में हो चुका था, और अभी के लिए यहाँ पे नो किल भी अपने इजी वे में हो चुके थे, तो अच्छी प्लस लग जाएगी तभी। बंदे के यहाँ पे पैर पे दो गोलियां मारता हूँ बट बंदा बच जाता है, और भाई अभी के लिए भाई बंदा इतनी सी जगह पे छुपा था बट दिख नहीं रहा था सही तरीके से, वरना तो यार ले जाता मैं इसको भी। बाकी तो सीन देखो यहाँ पे क्या होने वाला था अभी, और यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि भाई नीचे चलते हैं या मारते हैं या मरते हैं, बट उससे पहले यहाँ पे BRDM दिखता है तो सोचता हूँ इसको फोड़ लेते हैं पहले। देख रहे हो भाई क्या भसड मची पड़ी है यहाँ पे, और भाई अभी भी पांच बंदे बचे हैं, और जिसमें से कि तीन बंदे यहाँ पे BRDM में, एक सामने है और एक भाई अभी यहाँ पे सीन क्या होता है देखो, बस यहाँ पे मेरे को छोड़ के चार बंदे बचे थे, और भाई ये जो मतलब पंछी वाला बंदा था ये अपने पे कर देता है पुश, भाई यहाँ पे मेरी गन लोड पे थी वरना तो इस बंदे को इजीली मैं फेल देता, बट बंदा अच्छा खेला एंड बंदे ने मार दिया मेरे को ठीक है। तो काफी सारे बंदों का डाउट है कि क्या अब कॉन्करर हो पाएगा, तो हो जाएगा भाई, बस अच्छे से खेलो और डेली का 150 प्लस करो तो भी आप लोगों का इजी वे में कॉन्करर हो जाएगा ठीक है, तो बस कॉन्करर की टेंशन लेना छोड़ दो। बाकी तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर से बता देना, और हाँ वीडियो का कुछ भी बात अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी खतरनाक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइज़।